हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या किसी पुलिस ऑफिसर की या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है या नहीं। अगर की जा सकती है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है। सबसे पहले भारत के संविधान की बात करें तो आर्टिकल 21 सबको निजता का अधिकार देता है। जैसे आपको अपनी प्राइवेसी का पूरा राइट है, वैसे ही एक गवर्नमेंट ऑफिशियल को, एक पुलिस वाले को, एक सरकारी अधिकारी या कर्मचारी को उसकी निजता का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन पुलिस जब ड्यूटी पे है तो वह आर्टिकल 21 में नहीं आता है। कुछ राज्यों में वीडियो बनाना क्राइम नहीं है, लेकिन कुछ में गाइडलाइन दी गई है। फॉर एग्जांपल केरला, सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 33 ऑफ केरला पुलिस एक्ट, यहाँ पे आपको पुलिस की वीडियो बनाने से मना किया गया है। लेकिन किसी जगह पुलिस आपसे मारपीट करती है, रिश्वत मांगती है, गाली गलौज करती है या अपने पद का दुरुपयोग करती है, तो वहाँ आप उनका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसी जगह कई बार पुलिस आपके अगेंस्ट 186 IPC में एक्शन भी ले सकती है। सरकारी कर्मचारी के कार्य में बाधा डालने की धारा 3 महीने की सज़ा या फाइन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास वीडियो प्रूफ है तो आप दिखा सकते हो कि मेरे साथ मारपीट की जा रही थी या मुझसे रिश्वत मांगी जा रही थी या गाली गलौज की जा रही थी, तो वहाँ पे आपको कोई सज़ा नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर को उसका काम करने से रोकते हो या उसे धमकी देते हो या उसके साथ मारपीट करते हो तो आपके अगेंस्ट 353 IPC में एक्शन हो सकता है, जिसमें आपकी 2 साल की सज़ा या फाइन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप किसी पुलिस स्टेशन में हैं, एक शिकायतकर्ता और एक पुलिस अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता को समझा रहे हैं, लेकिन आप बिना सोचे समझे सीधा उनका वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके अगेंस्ट एक्शन होगा। लेकिन अगर कहीं पुलिस और शिकायतकर्ता बात कर रहे हैं और शिकायतकर्ता ये चाहता है कि उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाए, तो आप वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वहाँ पे पुलिस आपको वीडियो बनाने से नहीं रोक सकती। यदि आप कपल हो और आप पुलिस स्टेशन में हो या पुलिस कहीं आपको दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, वहाँ पर भी आप पुलिस का वीडियो बना सकते हो। कई बार मीडिया भी स्टिंग ऑपरेशन करता है। आप लोग सोचते होंगे कि मीडिया को जब इतना राइट है तो हमें क्यों नहीं है, तो वहाँ पर भी आप देखोगे तो वो लोग सच्चाई को सामने लाने के लिए ये सब करते हैं, फेयर यूज़ के लिए करते हैं, इसलिए वो लोग स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। और फेयर यूज़ के लिए आप भी कर सकते हो, लेकिन कब, उसके लिए गाइडलाइन है। इसके अलावा सच्चाई को सामने लाने के लिए अगर थोड़ी बहुत लिमिट क्रॉस भी करनी पड़ जाए, फॉर एग्जांपल पति और पत्नी का मामला है, पत्नी पति से CRPC 125 में खर्चा भी ले रही है और पति को ये लगता है कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है या उसे मालूम है, तो ऐसे समय पे जब उसकी पत्नी किसी के साथ गलत कृत्य कर रही है, उस समय पति उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है या डिटेक्टिव भी रख सकता है। अगर पत्नी पति पे ऐसे समय में FIR भी करती है कि मैं किसी और के साथ थी और इसने मेरी प्राइवेट वीडियो बना लिया, ये सब कर लिया, तो उस व्यक्ति को सज़ा नहीं होगी। वो कोर्ट में जाके बोल सकता है कि साहब 125 CRPC में मेरे से खर्चा भी ले रही हैं, एडल्ट्री के आधार पर तलाक का आवेदन किया गया है, मैं तो सच्चाई को सामने लाने के लिए, फेयर यूज़ के लिए वीडियो बना रहा था, तो आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो उस व्यक्ति को वहाँ पे कोई सज़ा नहीं होगी। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक वीडियो वायरल हुआ था वहाँ के DM का कुछ दिन पहले, जहाँ पर वो एक लड़के को पहले थप्पड़ मारते हैं, फिर उसका फ़ोन छीन के तोड़ देते हैं। एक अन्य व्यक्ति पूरे घटनाक्रम को देख रहा था और वो पूरा उसका वीडियो बना लेता है, बाद में वो वीडियो वायरल भी होता है और वहाँ के मुख्यमंत्री तक पहुँचता है और वहाँ के DM को पद से हटा दिया जाता है। आपने एक और वायरल वीडियो देखी होगी दिल्ली के मुखर्जी नगर की, कुछ पुलिसकर्मी एक सरदार के साथ मारपीट करते हैं, उसकी पगड़ी भी उतार दी जाती है, लेकिन पूरे घटनाक्रम को कोई अन्य व्यक्ति देख रहा होता है और वो उसकी वीडियो बना लेता है और बाद में उन लोगों को सस्पेंड भी किया जाता है। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें साफ साफ बताया गया है कि कहीं पे कोई गलत काम होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, पुलिस हो
या DM हो या SDM हो, अगर वो कानून अपने हाथ में ले रहा है या अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है या कोई गलत काम कर रहा है, तो वहाँ पर आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई अधिकारी अच्छा काम कर रहा है, आप मोटिवेशनल पर्पज से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो आप उसकी परमिशन ले सकते हो कि मैं मोटिवेशनल पर्पज से आपकी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। अगर वो आपको अलो कर देते हैं तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।